नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। वंदे 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज के, संत सेवालाल महाराज के, संत सेवालाल महाराज के, जगदम्बे जगदम्बा अम्बा मैया की, अम्बा मैया की। मंच पर उपस्थित बंजारा समुदाय के धर्मगुरु और जिन्हें अभी अभी महाराष्ट्र की विधान परिषद के लिए जिनका मनोनयन हुआ है, ऐसे संत बाबू सिंह महाराज जी मंच पर उपस्थित पौरा देवी के श्री महंत कबीरदास महाराज जी, लिमाना पीठ आदलाबाद के महंत राम सिंह महाराज जी, पोहरा देवी के महंत सुनील महाराज जी, महंत जितेंद्र महाराज जी, महंत यशवंत महाराज जी, चैतन्य आश्रम के श्री महंत श्याम चैतन्य महाराज जी, महंत सुरेश महाराज जी, राजगढ़ आश्रम से राय सिंह महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वासिम के जिला के अध्यक्ष श्री राजू राजे पाटिल जी, एनसीपी के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे जी, माजी विधायक लखन मलिक जी, विजय राघव जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के प्रत्याशी सईताई ढाके जी, वासीम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्याम जी खोड़े जी और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि क्षेत्र की काशी कही जाने वाली बंजारा समुदाय के पवित्र स्थल संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज, संत बामनलाल महाराज की साधना की पवित्र भूमि और जहां पे साक्षात जगत जननी मां भगवती अम्बा ने दर्शन दिया, इस पावन धरा को मुझे आज नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगत जननी मां भगवती अम्बा और इन पूज्य संतों के श्री चरणों का नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय सेवालाल महाराज। बहनों भाइयों, इसे मैं एक सुखद संजोग मानता हूं जो बंजारा समुदाय कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उस बंजारा समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सत्ता की शासन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबू सिंह महाराज को एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है, अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद
न केवल इस पवित्र काशी के बंजारा समुदाय की, इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, जो समाज विरोधी देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कवि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजा क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम पुष्टिकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए महायुति गठबंधन भाजपा शिवसेना एनसीपी ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महागाड़ी के पास जिसपे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है, छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, याद करिए जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा।
ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, अपनी जनता की सुरक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपमान नहीं सहता। ये नया भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे। यहां पर हमने देखा कितना भव्य स्थल बन रहा है, संत सेवालाल महाराज की पावन समाधि स्थली, संत राम राव महाराज की समाधि स्थली, संत बावन लाल महाराज की साधना स्थली कितनी पवित्र और कितना भव्य रूप ले रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी। यह गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं। यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है, लेकिन प्रश्न है अयोध्या में यह अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे, हम बटे थे इसीलिए कटे थे, और आज हम कहने के आए हैं एक है और सेक है, एक है सेक है, यानी सुरक्षित है, और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में बटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सहिताई ढाके को अपना उम्मीदवार बना करके, कारंजा से अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में उन्हें भेजा है,
घोड़े को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ भर करके इन्हें आश्वस्त करिए, इनको अपना आपका आशीर्वाद मिलेगा। बटेंगे तो नहीं, एक रहेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम।